मध्य प्रदेश के देपालपुर विधानसभा के मजदूर परिवार की 3 नाबालिग बेटियां जो गुजरात में फंसी हुई थी और उनके माता पिता उनसे मिलने को तरस रहे थे। खबर को प्रमुखता से दिखाने के बाद विधायक विशाल पटेल ने गुजरात में फंसी मजदूर परिवार की बेटियों को मिलाने का जिम्मा उठाया और भोपाल इंदौर के सभी अधिकारियों से बात कर उनको लेने के लिए एक पास जनरेट कर बच्चियों को घर लाकर उनके माँ बाप से मिलवाया। मजदूर के पिछड़े परिवार का मिलाप विधायक विशाल पटेल के सहयोग से आज हो ही गया। 1.5 माह से तड़प रही माँ और पिता अपनी बेटियों से मिलने को आज वो इंतजार खत्म हुआ। बेटियों को बाहों में भरकर सिसक सिसक कर माता पिता रोने लगे। एक माँ का प्रेम आंसू के समंदर की तरह बहने लगा। इस प्रेम को जिसने भी देखा कुछ क्षण के लिए उसकी आंखों में भी आंसू आ गए। एक दुखियारे परिवार को आखिर विधायक ने समझा और परिवार को मिलाने का नेक कार्य किया है। देपालपुर से विशाल चांदना की रिपोर्ट। आपकी बेटियाँ अब आपके पास आ गई है, कैसा लग रहा है और क्या किन लोगों ने प्रयास किया जो आपकी बेटियाँ यहाँ पर आई? ये सब सर ने मिलाया हमारी बेटी को और हमारे को एक परिवार करिया, बहुत अच्छा लग रहा है। और विधायक साहब ने हमारे को बहुत मदद की और सब सर लोग ने हमारे को भी मदद की, हमारी बेटियों से मिला दिया, बहुत अच्छा लग रहा। धन्यवाद सब सर लोग को धन्यवाद और विधायक साहब को भी धन्यवाद। क्या नाम आपका? सुमित्रा भाई। विधायक जी क्या मामला था? मेरे पास कुछ पत्रकार साथियों का फोन आया था कि देपालपुर विधानसभा के रलायता गांव की एक महिला है, वो पीड़ित है और उसकी कुछ बच्चियां, 3 बच्चियां थी, एक 17 साल की, एक 15 साल की और 13 साल की, वो अमरावती जिले गुजरात के अंदर फंसी हुई हैं। वो बच्चों को इलाज, बच्चे और पति के इलाज के लिए इंदौर आई थी, लेकिन जब मेरे संज्ञान में आया तो मैंने वरिष्ठ अधिकारियों से बात करी, गुजरात के कुछ अधिकारियों से बात करी और यहाँ उनको हाथों हाथ उनके ई पास जनरेट कराया। और जैसे ही मुझे पता लगा कि उसके पास खाने को ली है तो कैसे बच्चों को लेके आएगी, तो तुरंत उनकी गाड़ी की व्यवस्था कराई, उनको खाने पीने की पूरी व्यवस्था कराई है और आज वो पुनः अपने घर लौट आए हैं और सब सकुशल हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूँ देपालपुर विधानसभा के समस्त व्यक्तियों से, ऐसा कोई भी परिवार जो बाहर कहीं दूसरे प्रदेशों में कहीं फंसे हुए हैं तो आप निश्चित तौर पर निसंकोच मुझे संपर्क करें, हर एक व्यक्ति की मदद की जाएगी और उनको अपने घर लाया जाएगा। धन्यवाद। एक मजदूर परिवार काफी लंबे समय से राजस्थान में फंसा हुआ था, 3 बेटियां जो किसी तरह वो गौतमपुरा के रलायता गाँव में आई, और क्या क्या योगदान रहे किसके लिए? लॉकडाउन के पहले ही जो रलायता के जो अपने अंबाराम जी उनका परिवार है वो गुजरात में मजदूरी करने चला गया था और इनका छोटा बेटा है जो बीमार होने के कारण MY उसके इलाज के लिए लेके आए थे। यहाँ जब इलाज चल रहा था उसी बीच अचानक ही लॉकडाउन घोषित हुआ, तो लॉकडाउन कारण यहाँ से वहाँ जा नहीं पाए और चूंकि इलाज के कारण यहाँ आए थे, इन्होंने अपने बच्चे को वहाँ छोड़ दिया था, वो पढ़ती भी थी वहाँ काम भी करती थी, तो इनकी 3 बेटियाँ वहाँ पर रह गई थी सेठ के यहाँ पर। और इनको लगा कि लॉकडाउन जल्दी खुल जाएगा, तो प्रतीक्षा करते 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 45-50 दिन के आसपास हो गए। ये कई दिनों से परिसर में आकर के गुहार लगाते थे और उस टाइम तक चूंकि अपने जिला लेवल से हमको अधिकार नहीं था कि हम जिले से बाहर अनुमति दें, इनको बताया भी गया, उस टाइम में ऑनलाइन की व्यवस्था भी शुरू हो नहीं पाई थी। तो फिर जैसे ऑनलाइन व्यवस्था शुरू हुई तो एक बार ये जब इनकी माता जी नगर परिषद में आई थी तो उनका रुदन सुन के बड़ा बुरा लगा, तो उस तो फिर मैंने विधायक जी को अप्रोच किया इस विषय लेकर के, तो उन्होंने फिर इनकी हेल्प की है और अनुमति ऑनलाइन 5 लोग की देने का जो एक उन्होंने व्यवस्था बनाई उसके लिए पूरा परिवार और प्रशासन उनके लिए शुक्रगुजार है, क्योंकि 3 बच्चियां, 1 ड्राइवर, 4 तो ये हो ही रहते हैं और पिता जाते, 5 लोग की अनुमति लेना बहुत अनिवार्य था। उनकी अनुमति ली, उन्होंने उनको बताया, उन्होंने कहा कि जो भी इसमें रास्ते में व्यवस्था होगी वो मदद करेंगे। कुछ हमारे स्थानीय लोगों ने मदद की, गाड़ी व्यवस्था की, कुछ यहाँ के लोगों ने मदद की। हमने इनके पिताजी को जब रवाना किया, जैसे कि कोई अपने परिवार को लेने जाता है, विधि विधान से पूरी व्यवस्था, दवा खाना पीना लेके भेजा था, पानी वानी सब लेकर के, ताकि व्यवस्थित होकर के लौट के आ, और ड्राइवर सब लगातार बात करते रहे थे कि कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, ड्राइवर बहुत अच्छे से इनको लेकर लेके भी आया है। और विधायक जी का मैसेज था कि जब ये लोग आए तो हम व्यक्तिगत जाके इनसे मिले, और चूंकि वो यहाँ इसलिए नहीं आ सकते थे क्योंकि फिर बहुत सारे इकट्ठे होते लोग लॉकडाउन का, तो उनका ये कहा जाकर के आप देखिए उनकी व्यवस्था में कोई कमी पेशी हो तो और उनको अवगत कराया जाए, तो उनके तरफ से आश्वासन भी दिया गया कि इनकी जो भी आगे मदद हो सके करेंगे। और हमारा प्रयास रहेगा कि अब इनको मजदूरी जैसे काम के लिए दूर ना जाना पड़े परदेश में लेकर के, ये ईश्वर का आशीष है और यहाँ के लोगों की मेहनत और माननीय विधायक जी का एक सहयोग का परिणाम है कि ये देर से सही लेकिन परिवार एक हो पाया है, और इनकी खुशी देख करके मैं आज बहुत खुश हूँ। जितेंद्र वर्मा ने आप तहसील। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़।
हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।